अभी स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड फॉर अप टू द 3 क्वार्टर्स। अब देखो भाई 100 मीटर स्प्रिंटर है, जैसे यहां से लेके यहां तक की आप बात करोगे तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, मतलब वो टोटल हमारे पास 100 मीटर की दौड़ कर रहा है। इसने क्या बोला है, रेस से स्टार्ट होता है तो मतलब यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियली आप ले सकते हो इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। ये अपने आपको डायग्राम बहुत क्लियर होना चाहिए आप सबका, ठीक है। फिर अगर है अप टू 3 क्वार्टर्स, भाई क्वार्टर्स मतलब हमने 4 हिस्सों में बांट दिया इसे, तो टोटल 100 था, 100 में हमारे पास जो पहला वाला ये बन गया 25 का, ये एक बन गया 25 का और एक ये बन गया 25 का, तो 25 25 25 और 25, तो 4 क्वार्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी और यहाँ पे आ गया हमारे पास ई, ठीक है। तो 4 क्वार्टर्स हो गए हमारे पास। कह रहा है अप टू 3 क्वार्टर्स वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलेरेशन हो रहा था, तो भाई यहां से यहां तक आपके पास ये वाला पॉइंट जो है 3 क्वार्टर्स तक हमारे पास एक्सेलेरेशन हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में क्या कर दिया इसने, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जो आपकी स्पीड यहां तक देखो एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो इनिशियली हमारी स्पीड कितनी है 0, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ना शुरू होगी, यहां तक तो स्पीड बढ़ती रही, लेकिन इसके बाद जो स्पीड आपके पास ई पॉइंट पे थी उसके बाद ई से लेके बी तक वो उसी स्पीड से मूव करा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव किया है उसने। सो हाउ मच टाइम शी टेक्स टू कवर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ कितना है ए टू डी, तो हम बात कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ की आप बात करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए से लेके डी तक, ये वाला हमारा पार्ट रहा, ठीक है भाई। ए से बी तक का डिस्टेंस बताइए, फर्स्ट हाफ है ना तो 50 मीटर आएगा, टोटल हमारा 100 मीटर है। इनिशियली बात करोगे तो यहाँ पे कितना है, यू हमारा 0 आ गया है, और आपको क्या पता है, आपको एक्सेलेरेशन पता है, तो गिवन में क्या लिखोगे आप सब बच्चों, गिवन में हम लिखेंगे यू इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर। आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम डज शी टेक्स टू कवर फर्स्ट हाफ, टी निकालना है आपको। अब देखिए क्या क्या इन्वॉल्व है, एस यू और ए, तो एक ही फॉर्मूला में याद आता है इस नाम पे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, भाई यू 0 था ना, तो 0 इंटू टी करोगे प्लस क्या बचा भाई, हाफ इंटू ए कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर, एस कितना था हमारे पास भाई, एस हमारे पास था 50, तो क्या करोगे आप 50 इंटू 2, तो हमारे पास 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और टी हमारे पास आ गया है 10 सेकंड। तो मतलब पहले हाफ तक जाने में तो भाई उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड, ए से लेकर डी तक वो 10 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। अब वो बात कर रहा है सेकंड हाफ की, अब ये मैं भाई दो पार्ट में वाला पूरा जो सेकंड हाफ है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यहां तक तो एक्सेलरेशन हो रहा था, यहां पे फिर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से गया है, तो एक काम करते हैं हम इसको दोनों अलग अलग हिस्सों में बांट के हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी से लेके बी तक की, डी से लेके बी तक की, और उसमें बीच में पॉइंट आ गया ई, तो मतलब पहले बात करो डी से ई, इसका टाइम कैसे निकालें। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, यदि हम ए से ई तक का टाइम निकाल लें और इसका टाइम माइनस कर दें तो ये वाला टाइम आ जाएगा, नहीं समझे आप, जैसे ए से लेके ई तक सपोज आप कर लो यहां से यहां तक इसे 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक उसे लगे 5 सेकंड, ठीक है। अब बताओ इतने टाइम में ये कितना टाइम लगेगा उसे, 10 सेकंड, मतलब टोटल 15 सेकंड में से आपने पहले 5 सेकंड माइनस कर दिया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ए से ई तक का तो टाइम आप निकाल सकते हो, ए से ई तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस है हमारे पास 75 मीटर, 25 25 25, यू कितना है भाई 0, और क्या है हमारे पास, एक्सेलेरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो आप यूज करोगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना भाई 75 मीटर, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 × 1 × t² बेटा 2 को यहाँ लेके जाओ तो 150 आ गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और अंडर रूट 150 करोगे तो टी, और आपका टी आ जाएगा इज इक्वल टू 12.2 सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखो ए से लेके डी तक का जो टाइम आ गया है वो आ गया है कितना, यहां से यहां तक का 12.2
2 सेकेंड, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ ए से लेके डी तक का टाइम कितना लगा था, ए से लेके डी तक का टाइम लगा था 10 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। अब मुझे बताओ इसमें टाइम कितना लगा होगा डी से ई तक का, तो टाइम डी से ई हमारा आ गया कितना टाइम बचा 2.2 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया। कैसे आया है 12.2 में से आपने 10 को माइनस कर दिया, कैसे आया है 12.2 - 10 सेकेंड, तो टी डी से ई आपका आ गया है ये वाला टाइम। अब हम बात किसी करेंगे, अब हमें बात करनी है ई से लेके बी तक की। अब ई से डी तो ये चला है यूनिफॉर्म मोशन में, आपका ई से डी तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई 25 मीटर, क्योंकि आपको पता है ना क्वार्टर 25 25 25 25 के। हम हमारे पास यदि मुझे यहां पे स्पीड मिल जाए तो मैं आराम से टाइम निकाल सकता हूं। तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी हमें निकालना है, यू कितना था 0 और ए हमारा 1 और टाइम कितना था 12.2 और वी हमारे पास आ गया है 12.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब आपका निकालना टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 25, स्पीड कितनी है 12.2, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.049 आएगा, आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 2.05 सेकेंड लिख सकते हो। तो मतलब कि हमारे पास सेकेंड हाफ की हम बात करें तो सेकेंड हाफ में क्या रहेगा टी डी से ई प्लस टी ई से बी, तो डी से ई का टाइम कितना आया भाई हमारे पास 2.20 प्लस यहाँ पे कितना है 2.05 ऐड कर दो 4.25 सेकेंड लगभग करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ ही मूव कर रहा है एट टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब टी 0 पर एक्स इज 5, मतलब ये 1 2 3 4 5 यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो इस टाइम पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने से 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा सिंपल, बट बच्चों को समझ में कैलकुलेशन नहीं हो पाती उनसे, एक्सेलरेशन पता है भाई हमें, तो मतलब अभी इनिशियली हम बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां पर है टी 0 पर और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, क्या पर हमें गिवन है जल्दी बताओ फटाफट, हमें ए पता है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या पता है हमको और, हमें ये तो पोजिशन वाइज छोड़ दो, हमें वी पता है इनिशियली वो यू होगा, मतलब 3 मीटर पर। भाई आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जर्व किया ना, दैट इज टी 0 पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास यू इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है और हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है, पोजिशन निकालनी है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब हमें टाइम पता है 2 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट कहां होगा बताओ, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप, एस निकालना है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं भाई हम, तो s इज इक्वल्स टू क्या है भाई वी, u हमारे पास है 3, कितने टाइम के बाद निकाल लो 2 सेकंड के बाद, प्लस 1/2 a कितना है 4 और 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया अभी बात, तो 3 2 6, s इज इक्वल टू 6 प्लस इसे आप कट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 8, s इज इक्वल टू 14 मीटर, भाई 14 मीटर वो ऑब्जेक्ट चल चुका है, पहले कहां पर था वो 1 2 3 4 और 5 पर, अब वो 14 और चल चुका है, 14 चला होगा तो यहां पे चलते 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 यहां पे क्या था पॉइंट आ गया होगा, यहां पर वो पहले था और 14 और चला है तो यहां पे 19 पोजीशन होगी 19.0, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है वो, एस कितना आगे हमारे पास 14 मीटर, ठीक है। अच्छा ये कह रखा है इसने दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप ये हमने मान लिया है कि वो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, ठीक है, ये हमने मान लिया है, बट इन्होंने बोला है कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब इस रीजन में ही इसकी तरफ ही वो चल रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें एस पता है, वी कितना होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब बताओ भाई यू कितना है आपके पास, यू हमारे पास सर 3 था, ए कितना है भाई आपके पास 4 था, टी कितना है हमारे पास 2 था, तो 4 2 8 प्लस दिस, वी हमारे पास आ गई है 11 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब वो इस पॉइंट पर होगा ना तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 11 मीटर पर सेकेंड, कितनी पॉइंट देखो कितना वो चला है वो है 14 मीटर, अभी उसकी पोजीशन क्या है दैट इज 19.0, दोनों चीज अलग अलग है, कितना चला है तो चला तो 14 मीटर है, पोजीशन कितनी है
पहले 5 और ये 14, दैट इज 92.0। फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। मतलब एक टाइम ऐसा रहा होगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि उस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसने ये नहीं पूछा कि उसका कितना डिस्टेंस चला है, उसने पूछा पोजीशन क्या होगी। तो मतलब पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना होगा। देखो भाई, इनिशियल तो उसका यू तो जीरो ही है, सेकेंड पार्ट जो हम कर रहे हैं यू तो हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी कितना बता दिया भाई इसने, 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ठीक है। एक्सलेशन तो हमें पता ही है, एक्सलेशन कितना था भाई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, पहले इस डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। भाई वी कितना है, 5 का स्क्वायर, यू कितना है 3 का स्क्वायर, 2 × 4 × s। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8s। कितना आ गया भैया हमारे पास, ये 9 16, 16 by 8 इज इक्वल टू s। तो s कितना आ गया, 2 मीटर। मतलब कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है ना वो है 2 मीटर। पोजीशन कहाँ होगी भाई, इनिशियली वो था यहां पर 5 पर, 2 मीटर चल गया ना, फिर 6 आया होगा, फिर 7 आया होगा, तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई है, 7.0। तो पोजीशन की बात कर रहा है वो, पोजीशन, तो पोजीशन आप क्या बोल सकते हो, 7.0। तो ये आपके पास पूरा कंटेंट था। आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स। आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि कहां पर ऑब्जेक्ट होगा, किस तरीके से मोशन हो रहा होगा, सिर्फ आपको ये चीज देखनी होती है क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है और ये कुछ इस तरह की कहानी बता रहा है। भाई सपोज आप करो, आप यहाँ पे एक पर्सन हो और आप यहाँ पे खड़े हो, आपने देखा कि एक चोर है, वो चोर यहाँ से अपनी गाड़ी चुरा के भाग रहा है, ठीक है। भाई उसने गाड़ी चुराई होगी, स्टार्ट की होगी तभी तो मूव करा होगा। क्या रहा होगा केस, देखो उसने गाड़ी चुराई, चाबी लगाई होगी गाड़ी की, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी होगी, फिर उसने धीरे धीरे भागा, मतलब उस तरीके से। तो इनिशियली क्या रहा होगा, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है भाई, चलती गाड़ी तो चुरा के भागेगा ना कोई चोर। फिर क्या रहा, 5 after 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड वहां पर आई पुलिस, पुलिस ने भी भाई अपनी जीप को भगाना शुरू करा। और कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आया जहां में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब जितना डिस्टेंस पुलिस ने कवर करा उतना ही डिस्टेंस चोर ने कवर करा, तभी तो पुलिस पकड़ी जाएगी ना, चोर पकड़ा जाएगा। अब हमारे पास रहा क्या, यदि मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस हमारे पास जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, आपके पास जो पुलिस है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब हम किसकी बात करते हैं, पहले तो पुलिस का देखते हैं। यदि मान लो पुलिस को यहां से लेके चोर को पकड़ने तक टी टाइम लगा, पुलिस टेक्स टी टाइम, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस कितना आएगा भाई, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी हो गई हमारे पास 20, टाइम कितना टी, तो ये आ गया भाई डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस। चोर की बात करें तो भाई चोर ने क्या करा, स्टार्ट की गाड़ी यू इक्वल टू जीरो से, एक्सलेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज आप नोटिस करो भाई, यदि मैंने मान लिया है पुलिस को यहां से लेके यहां तक टाइम लगा है टी सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड के बाद आई थी ना पुलिस, तो मतलब चोर 5 सेकंड पहले निकल चुके थे, तो पुलिस जो चोर है उन्हें टाइम लगा होगा टी प्लस 5 सेकंड, ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। तो अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, कितना कवर किया भाई इन्होंने डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू, इसमें तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सलेशन हो रहा है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भाई यू कितना है 0 + ½ × a कितना है भाई हमारे पास 2, और टी कितना है टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, काट दो इसे, एस हमारा आ गया है टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराया है चोर ने और इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराया है पुलिस ने। अब भाई दोनों डिस्टेंस तो बराबर रहेंगे तभी तो पकड़ा जाएगा ना चोर, तो दोनों को बराबर पुट कर दो, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कितना आ जाएगा 20t इज इक्वल टू टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 20t
इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। भाई इसे यहां ले आओ तो यह रहेगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। आपको क्या लग रहा है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, जैसे क्या आ गया ये टी माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसका फैक्टर निकाल लो, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5t प्लस 25 इक्वल टू जीरो, 5 कॉमन ले लो आपके पास, तो टी माइनस 5 माइनस 5 टी माइनस 5, तो ये आ गया टी माइनस 5 का होल स्क्वायर टी इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है।